ग्वादर का सीधा फटका। दिस इज 126 feet। वो इस गली से जरूर आता है, परेशानी नहीं हुआ है। इससे ज्यादा खराब राइड और क्या हो सकता है। जितना खींचना है खींच लेता। कि आज का मौसम कितना सुहाना हो रहा है। सुबह 4 बजे से दे रहा है बारिश। आज सुबह 5 बजे अपने को निकलना था टुवर्ड महामृत्युंजय टेम्पल नौगांव, लेकिन सुबह 4 बजे से बारिश दे रहा है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हो चुका है 6:30 और अपने हो रहे हैं लेट। अभी देखते हैं और आधा घंटा जैसा देखते हैं, अगर बारिश नहीं रुकते हैं तो फिर अपने को कुछ जुगाड़ करके कैसे भी होके निकलना पड़ेगा। आज मैं राइड करने वाला हूँ अपने पापा के साथ। अगर मैं सिंगल होता तो मेरे पास ए 1 पीस रेनकोट है तो मैं अकेले निकल जाता, लेकिन मेरे साथ है पापा, इसलिए बारिश में निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे बारिश रुकते हैं अपने निकलेंगे डायरेक्ट टुवर्ड्स महामृत्युंजय शिव टेम्पल नौगांव। सो फाइनली बारिश रुक चुका है, अपना आ गए हैं नीचे। बारिश रुकते रुकते अराउंड 8:15 हो चुका है, तो अभी ज्यादा लेट नहीं करते, डायरेक्ट निकलते हैं। सो हे यूट्यूब पीपल, इट्स मी चावली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मौसम पूरा बारिश का मौसम है। ये जो अपने रास्ते लिए हुए हैं, ये 6 माइल से अपने जाएंगे टुवर्ड्स खानापारा। अगर पूरे जर्नी पे इसी तरह मौसम रहा तो जर्नी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बारिश दे दिया कहीं बीच में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी हल्का हल्का बारिश अभी भी है। अभी अपना पहुंच चुके हैं खानापारा। लेफ्ट हैंड साइड में है ये आपका कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस। 4 नंबर गेट पे क्या स्मूथली पिकअप ले, कोई स्टॉल नहीं। अपने को भी लेना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि उधर एक गणेश मंदिर है। तो गणेश मंदिर में माथा टिका के निकलेंगे। जो जानता है वो इस गली से ज़रूर आता है, ताकि यहाँ पे अपना पूजा करके अपना जर्नी का शुरुआत अच्छी तरह से हो, जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक पहुँच सके। इस वे टू गुवाहाटी सिटी वाले से इधर से अपना अभी चले जाएंगे अंदर, इधर से जाके अपने पेट्रोल फिल कर लेंगे। तो इधर पेट्रोल का लीटर है 93.62 और गुवाहाटी में 97.02। सो अपने छोड़ चुके हैं गुवाहाटी। सुबह से मतलब इधर बारिश है ही नहीं, सिर्फ अपने गुवाहाटी में दे रहे थे बारिश। इधर तो रास्ता पूरा सूखा हुआ है। तो अभी एक्चुअल कर्व सब मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर राइडर्स पूरा सुला सुला के जाते हैं अपनी, मतलब सुपर बाइक सब, लेकिन मेरा तो सुपर बाइक नहीं है, एडवेंचर बाइक है। ज़्यादा नहीं सुलाऊंगा क्योंकि पीछे पापा भी बैठा हुआ है और ये पापा का फर्स्ट राइड होगा। मतलब लगभग नौगांव तो यहाँ से 110 किलोमीटर है, लेकिन अपने तो जा रहे हैं टुवर्ड्स कार्बियांग, तो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर होगा, फर्स्ट राइड होगा। राइड करने के बाद पूछते हैं पापा को कैसा क्या एक्सपीरियंस है। तो ये R15 वाले भैया पूरा सुला सुला के जा रहे हैं। आज का मौसम इस तरह है, 1 किलोमीटर दूर जाएंगे फिर आपको धूप मिलेगा, फिर 6-7 किलोमीटर चलाएंगे फिर 1 किलोमीटर के लिए फिर आपको बारिश मिलेगा। इस तरह का मौसम होके रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी अपने पहुंच चुका है धर्मतू, नारियल पानी पी लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड महामृत्युंजय मंदिर। मैप स्टार्ट कर लिए है, यहाँ से दिखा रहा है आपका 48 किलोमीटर। तो ये हाईवे का आपका सेकेंड राउंड बाद, फर्स्ट राउंड बाद अपना क्रॉस कर चुके हैं, ये सेकेंड राउंड बाद है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था थोड़ा दिन पहले तो चले गए थे वो बोले लामडिंग वाले वे पे। ये तो आपका काजीरंगा ले जाने वाला रास्ता है।
सो पार्किंग अपने को यहीं पे करना पड़ेगा। पार्किंग याद रखे बोले यू नहीं। पापा और मैं ले लिए हैं प्रसाद, प्रसाद लेके अभी अपने जा रहे हैं टुवर्ड्स मंदिर की ओर। बाहर से मैं इसका नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। देखिए एंट्रेंस गेट में एंट्री करते ही आपको दोनों तरफ लोटस फ्लावर का छोटा सा पूल मिल जाएगा, छोटी छोटी मछली भी है तो दोनों तरफ है, इधर भी है। पहले अपने को दीप और धूपबत्ती जलाने के लिए इधर जाना पड़ेगा ये वाले जगह पे। हल्का सा फिर से बारिश होने लगा। तो इधर मंदिर एंट्री करने के लिए लाइन लगना पड़ता है, हालांकि आदमी आज काफ़ी कम है। और अंदर जाने के लिए ये हो गया अंदर का एंट्रेंस। ये देखिए अंदर जो बना हुआ है ये पूरा डमरू का आकार में बना हुआ है, ये पूरा डमरू का आकार में बना हुआ है। देखिए ये सब पूरा, इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ था 2003 में बाय आचार्य व्रिगु गिरी महाराज, और इसका इनिशिएट हुआ था 22 फरवरी 2021 में। इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, ये अपना आसाम में सबसे बड़ा है, आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़ा शिवलिंग है। दिस इज 126 फीट, इसका ऊंचाई जो है 126 फीट ऊंचाई है। इसका मेन लोकेशन हो गया नौगांव। अपने पूजा कर लिए हैं, पापा के हाथ में पूजा प्रसादी है और अभी अपना निकलेंगे टूवर्ड कार्वेलॉन्ग। वहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे, वहाँ का भी जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। मैं अभी आ चुके हैं टूवर्ड्स हाईवे, पकड़ लिए हाईवे के रास्ते। अभी अपने को यहाँ से जखलाबंदा होके काजीरंगा होके जाना पड़ेगा। कोई भी एक अच्छे से होटल देख के अपना कुछ लंच कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं, सिर्फ नारियल पानी पिया है सुबह से। तो कोई एक अच्छा होटल देख के अभी लंच कर लेते हैं। पापा को पूरा ज़ोर से भूख लगा हुआ है, देखिए खाना आते ही पूरा खाने लगा। रोटी के साथ अपने खाने को मिल रहा है ये आलू का पिटिका, दाल, ये भी दाल, खीर, मटर और आलू का सब्जी, आलू और पानी लाओ या फिर कुछ मिक्स होगा सारा आइटम रोटी के साथ। पापा लंच करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पेट भर गया तो? पेट भर गया, खाने में भी टेस्टी था, अच्छा लगा। बहुत अच्छा खाना था ना? ठीक है, पापा का भी पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया, अभी निकलते हैं। अभी टाइम हो गया 2 PM, अपने निकले थे सुबह के अराउंड 8:15-8:20 AM अपना निकले थे और अभी हो चुका है 2। अभी यहाँ पे जितना खींचना है खींच लेता हूँ, क्योंकि आगे से जाके फिर लिमिट है, 30 किलोमीटर ना 40 किलोमीटर शायद स्पीड लिमिट है, उसके ऊपर फिर अपना चला ही नहीं सकेंगे। जैसा अभी यहाँ पे 70 दिखा रहा है, ऐसे आगे आगे जाके दिखाएगा वहाँ पे भी 40। पिछली बार आया था उस समय तो नंबर प्लेट था नहीं, तो उस समय प्रॉब्लम नहीं था, ट्रेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अभी तो नंबर प्लेट भी है, भी अगर गलती से स्पीड लिमिट क्रॉस कर दिए है तो तुरंत मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आ जाएगा मतलब 2000 का सीधा फटका। एक्चुअल में पहले इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, 1.5 घंटा 2 घंटा में अपना क्रॉस कर जाते थे, लेकिन अभी तो ये लिमिट रख दी है ना, ये 40 लिमिट रख दी है, वो लिमिट के बाद मतलब काफ़ी टाइम लगता है क्रॉस करने में। कौन दो? अच्छा ये पप्पा बोल रहे हैं ये अपना डॉक्टर टीके शर्मा बना हुआ मंदिर इस तरफ है, तो वही पप्पा दिखा रहे थे। ये देखिए मेरा स्पीड दिखा रहा है 31, इससे ज़्यादा ख़राब राइड और क्या हो सकता है। को अगर ऐसे रास्ते पे 30-40 के लिमिट में आपको चलाने दे कैसा लगेगा सोचिए। मैं चला रहा हूँ 31 to 32, 33, ये सब स्पीड में मैं चला रहा था, 3 नंबर से ज़्यादा चला ही नहीं सकता, पूरा राइड का मज़ा चिड़चिड़ा कर दिया। अभी थोड़ा देर के लिए रुके हुए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क पार करके, पानी पीने के लिए रुके हुए हैं। सुबह तो मौसम काफ़ी अच्छा था अभी, लेकिन शाम को बहुत गर्म लग रहा है, पापा को भी गर्म लग रहा है, तो अभी पानी ऑलरेडी ऑलमोस्ट पी के ख़त्म होने वाला है।
ये हो गया बुकाखाट एरिया। बुकाखाट एरिया घुसते ही मतलब सारा बगान 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 बगान। अभी अपने पहुंच चुके हैं बुकाखाट, और बुकाखाट में अगर मैं रुकता हूँ मतलब मुझे लेना है पेड़ा, तो फिर से मैं आ गया वंदना स्वीट्स में अपने रिलेटिव्स के लिए यहाँ से ले जा रहा हूँ पेड़ा। अपना घुस चुके हैं रिजर्व जंगल, यहाँ से और ज़्यादा नहीं और 16-17 किलोमीटर होगा अपने डेस्टिनेशन तक। मैंने फुल टैंक किया था गुवाहाटी से यहाँ तक, मेरा किलोमीटर है अराउंड 300 किलोमीटर, 300 से ज़्यादा भी नहीं, 300 पूरा पूरी 300 किलोमीटर है। और मेरा टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर, रिजर्व लग चुका है, रिजर्व लग चुका है मतलब 3 लीटर रिजर्व में रहता है। तो 12 किलोमीटर में अभी तक मैंने 300 किलोमीटर कंप्लीट किया नहीं, मतलब 280 किलोमीटर मान के चले मैंने चलाया, का माइलेज टेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी अपने गर्म पानी पार करके रुके हुए हैं, यहाँ से लगभग और 8 किलोमीटर होगा अपना डेस्टिनेशन सिलोनीजान तक। मैं बीच रास्ते में इसलिए रोक दिया कि मुझे पूछना था पापा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये पापा का फर्स्ट टाइम ऐसा राइड है जो मतलब 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम 300 किलोमीटर ट्रेवल करना इतना ईजी नहीं है, वो भी पिलियन पीछे बैठ के। चलाने वाले को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना बैठने वाले को प्रॉब्लम होता है। तो मैं पापा को पूछना चाहता हूँ कि पापा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, कुछ इतना परेशानी नहीं हुआ है। मेन परेशानी हुआ है वो काजीरंगा पार्क के नज़दीक में जो है ना स्लो ये है, इसलिए वहाँ पर जर्किन भी काफ़ी था, ले नहीं तो ऐसे तो बहुत अच्छा लगा। और आराम से आए हैं, स्पीड में आने के बाद भी कोई जर्किन वर्किन पता नहीं चलता है। काजीरंगा में ही आने के बाद जब 38 किलोमीटर 30 किलोमीटर के स्पीड में आने के समय में वो जमा जाए और स्पीड ब्रेकर दिया हुआ, उस पर जर्किन होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, बाकी और सब ठीक है, जर्नी अच्छा ही लगा है। पापा का मतलब बोलने का वही है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से 300 किलोमीटर वो ट्रेवल कर पाए, उसके लिए मैं भी काफ़ी खुश हूँ। अभी भी 8 किलोमीटर बाकी है, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि फर्स्ट टाइम 300 किलोमीटर कर रहे हैं। धीरे 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 अपना किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे, पापा को भी हैबिट करवा देंगे, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते मेरा भी खुद का हैबिट हो जाएगा, पापा का भी हैबिट हो जाएगा, उसके बाद अपना फिर लॉन्ग टूर में निकलेंगे। चलिए अभी ये जो 8 किलोमीटर राइड है उसको कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अपना पहुंच गए सिलोनीजान, ये अपना छोटा सा सिलोनीजान का टाउन। आए आए आए, आते ही बकरा हलाल हो जाता काफ़ी साफ सुथरा टाउन है, इतना भी साफ नहीं है लेकिन है, छोटा सा टाउन है, अच्छा है, एक ही बार में पार हो जाता है, एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, इधर से उधर तक देखिए ख़त्म हो गया, छोटा सा टाउन है, बाकी गांव बहुत सारा है यहाँ पे। तो अपने पहुँच ही गए, लेफ्ट हैंड साइड लेने से अपने अभी पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर से हिट लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सेफ राइड।